गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि हम इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट थर्ड में आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले ही बता चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक का नेम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, उसमें हमने आपको इसकी बेसिक्स बताई थी, इसकी डेफिनेशंस, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन और अदर कोर ब्रांचेस में किस तरीके से अप्लाई होता है, डेली लाइफ में हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन एंड कोरल। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप विद कोरिलेशन, फॉर्मूला होता है आर, वेक्टर का साइन है आर, वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर एस डी एक्स अपॉन एस डी वाई। ठीक है, अब ये हो गया डाटा सेट, इसका एग्जांपल है, इसके अंदर हम ये सब फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरियंस, बीटा गामा फंक्शन, ये उसकी इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद सिग्निफिकेंस टेस्टिंग क्या होती है, स्लोप के थ्रू हम निकाल सकते हैं स्लोप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लोप इक्वलेंट टी एन माइनस टू ब्रैकेट में बीटा कॉमा बीटा डैश यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन माइनस टू बराबर बीटा वेक्टर माइनस जीरो एस ई ब्रैकेट में बीटा वेक्टर। तो एच जीरो मतलब हाइपोथेसिस होती है, तो नो लीनियर रिलेशनशिप आएगा, एच वन मतलब लीनियर रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। ये एच जीरो एच वन क्या है, ये हाइपोथेसिस है। फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा यू विल नॉट हैव टू कैलकुलेट बाय हैंड। तो इसको आपको इस तरीके से फॉर्मूले से निकालना है ना, स्टैंडर्ड एरर बीटा कितना आया इसका 0.03, उसके बाद टी नाइन एट कितना आया, उसका भी आंसर है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गए, ये रेसिड्यूस एनालिसिस चेक अजम्पशन हो गया, उसकी इक्वेशंस हो गई, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हो गई जिसको निकाल सकते हैं, ये रेसिड्यूस ऑब्जर्व प्रिडिक्शन हो गया विथ यूजिंग ग्राफ, है ना, ये उसकी कंडीशन है। उसके बाद रेसिड्यूज एनालिसिस फॉर लिनियरिटी की इक्वेशन हो गई, रेसिड्यूज एनालिसिस फॉर होमो की इक्वेशंस हो गई, रेसिड्यूज एनालिसिस फॉर इंडिपेंडेंस वेरिएबल नॉट डिपेंडेंट, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा डिपेंडेंट का, इस तरीके से बनेगा। रेसिड्यूज प्लॉट डाटा सेट फोर हो गया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, वॉट इफ एज इज ए कॉन्फाउंडर हेयर, ओल्डर मेन हैव लोअर विटामिन डी, ओल्डर मेन हैव पुअर कॉन्ग्रेशन, एडजस्ट फॉर एज बाय पुटिंग एज इन द मॉडल, डी एस एस टी स्कोर बराबर इंटरसेप्ट प्लस स्लोप वन एक्स विटामिन डी प्लस स्लोप टू एक्स एजेस। ठीक है, ये प्रडिक्शन हो गया एजेस एंड विटामिन डी का, डिफरेंट थ्री डी व्यू हो गया, फिट अ प्लेन रेदर देन अ लाइन उसकी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट प्लेन की विथ कंडीशंस, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ये उसकी इक्वेशन विथ कंडीशंस हैं, फंक्शन ऑफ द मल्टी वेराइट एनालिसिस क्या होता है, कंट्रोल फॉर, है ना, टेस्ट फॉर, इम्प्रूव प्रिडिक्शन, आर टेस्ट इज लीनियर रिग्रेशन, उसकी कंडीशंस हैं। और याद रखना रिग्रेशन लाइन जब हम फाइंड करते हैं तो एक्स वाई की जो होती है उसमें जो कोरिलेशन निकालते हैं वो वन के बराबर ही आना चाहिए ना, माइनस वन से प्लस वन के बीच में उसकी लाइन बनती है, एज अ लीनियर रिग्रेशन हो गया उसकी कंडीशन। ये नेक्स्ट हो गई रिग्रेशन की कंडीशन विथ प्रूफ, ये पिक्चर्स हो गए, है ना, ये रिजल्ट आ गए, ये आया इंटरप्रिडिक्शन, अदर टाइप्स ऑफ मल्टी वेराइट रिग्रेशन आ गई, उसकी लाइन आ गई, ये उसकी कंडीशंस हैं, ये कॉमन मल्टी वेराइट रिग्रेशन मॉडल्स हैं, मल्टी वेराइट रिग्रेशन पिटफॉल्स हैं, है ना, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ये हो गया मल्टी कॉलिनेरिटी, रेसिड्यूअल कन्फाउंडिंग, ओवर फिटिंग, ये उसकी कंडीशन, ये उसकी डेफिनेशंस। मैन हु ईट अ लॉट ऑफ मीट आर अनहेदर फॉर मेनी रीजंस, ये उसकी हाइपोथेसिस और उसकी रिग्रेशंस और कोरिलेशंस हो गए। ओवर फिटिंग की डेफिनेशन, ओवर फिटिंग क्लास डाटा एग्जांपल्स आ गया, ये इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इफ़ समथिंग सीम टू गुड टू बी ट्रू, उसकी कंडीशंस हो गई डिफरेंट डिफरेंट। मोर यूनिवेराइट मॉडल्स की ओवर फिटिंग की ग्राफ हो गया विद कंडीशन, रिव्यू ऑफ स्टेटिकल टेस्ट हो गया, इसके द्वारा हम ये भी निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से ब्लड प्रेशर इज पाउंड्स प्लस एज ट्रीटमेंट 1/0, ये उसकी कंडीशन हो गई डिफरेंट डिफरेंट। तो मतलब कहीं ना कहीं हम इसको डिफरेंट टाइप के यूजेस में यूज करते हैं, चाहे वो डेली लाइफ हो चाहे अदर कोर ब्रांचेस हो, ये उसकी कंडीशंस हो गई, कैटेगरी हो गई, अल्टरनेटिव समरी स्टैटिक्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ आउटकम डाटा, है ना, इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट में यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने जाना है किस तरीके से हम कोरिलेशन और रिग्रेशन को
अदर कोर ब्रांचेस में यूज कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से हम किसी भी पेशेंट का वेट, एज, उसका ब्लड ग्रुप, इन सब के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और इसके आगे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।